नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पूरे देश की निगाहें सर्वदलीय बैठक पर टिकी थी। सभी की नजर इस बात पर थी कि पीएम मोदी चीन को क्या संदेश देंगे, वे 20 जवानों की शहादत के बाद ऐसा क्या एक्शन लेंगे जिससे जवानों के बलिदान का बदला लिया जा सके। पर लगता यूं है कि उन्होंने जो मैसेज चीन और राष्ट्र की जनता को दिया है उसके पीछे बहुत बड़ी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। उनके शब्दों की गूढ़ता में चेतावनी और आक्रोश साफ परिलक्षित होता है, यानी चीन पर बहुत जल्दी बहुत ही बड़ा एक्शन होने वाला है। विशेषज्ञों की माने तो सर्वदलीय बैठक बुलाने के पीछे यही उद्देश्य काम कर रहा है। मोदी सरकार पहले घरेलू स्तर पर एकजुट कर लेना चाहती थी ताकि भविष्य में उस पर किसी तरह के सवाल नहीं उठ सके। यह उद्देश्य पूर्ण कर लिया गया है और अब बारी चीन की एकड़ी निकालने की है। चीन पूरी तरह अलग थलग पड़ चुका है। भारत के आक्रामक रुख ने जहां उसके पसीने निकाले हुए हैं, वहीं अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने उसकी घबराहट बढ़ा दी है। माइक पोम्पियो ने बिना किसी लाग लपेट के भारत के साथ खड़े होने का ऐलान कर दिया है, जबकि रूस खुलकर भारत के समर्थन में खड़ा हो गया है। दरअसल रूस को भारत के खेमे में करने के लिए मोदी सरकार ने बहुत बड़ा कूटनीतिक गेम खेला है। मोदी सरकार को कहीं ना कहीं यह आभास हो चुका था कि इस मामले में पुतिन तटस्थ की भूमिका में जा सकते हैं। भारत को यह हरगिज मंजूर नहीं था कि उसका सबसे विश्वसनीय सहयोगी इस विपत्ति में भारत से दूर रहे। इसलिए मोदी सरकार ने MiG-29 और Sukhoi-30 फाइटर के लिए रूस को 6,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर दे दिया। यह कूटनीति का वो पावर गेम था जिसे चीन पूरी तरह समझ गया है। इस खरीद ने रूस के हाव भाव एकदम से भारत के पक्ष में कर दिए, यानी चीन की वह उम्मीदें भी धराशायी कर दी गई जहां से अमेरिका के खिलाफ उसे समर्थन मिल सकता था। यह विश्व के इतिहास की पहली घटना भी बन गई है जो अमेरिका और रूस जैसे ध्रुव विरोधी देश एक ही देश के समर्थन में आ डटे हैं। अब जो लोग इन फाइटर प्लेन को भारत की वायु शक्ति से जोड़कर देख रहे हैं वो 2 साल आगे चले जाएंगे, क्योंकि ये प्लेन अभी भी भारत को नहीं मिलने वाले हैं। बड़ी बात यह है कि LAC पर Sukhoi-30, MiG-29 और जुगवार समेत भारत के 150 से ज्यादा फाइटर प्लेन तैनात है, जबकि चीन के LAC पे मात्र 127 लड़ाकू विमान है। ऐसे में भारत चीन से कहीं भी कमजोर नहीं है। रूस के साथ फाइटर प्लेन का यह सौदा केवल मजबूत कूटनीति का एक बड़ा दाव है जिसमें भारत पूरी तरह से कामयाब हो गया है। पर सवाल यही है कि अब भारत का अगला कदम क्या हो सकता है। अभी तक डिप्लोमेटिक और सैन्य स्तर पर जितनी कवायद हुई है वह दोनों देशों के रिश्तों को किस ओर ले जा रही है। कोई माने या ना माने पर कहीं ना कहीं यह तय हो चुका है कि भारत का लक्ष्य गलवान घाटी में चीन की दुम ऐंठने के बाद अगला निशाना अक्साई चीन बन गया है। इसके इशारे में अगस्त 2019 में संसद में अमित शाह का वो बयान गौर करने लायक है जिसमें उन्होंने अक्साई चीन और पीओके को अपना हिस्सा कहा था, यानी इस हिस्से को हासिल करने के लिए चीनियों की जान लेने की रणनीति बना ली गई है। संभवतः चीन ने इसी डर की वजह से काराकोरम में PLA को बड़ी तादाद में तैनात किया है। उसने पाकिस्तान से काराकोरम पूरी तरह से खाली कराकर PLA के हवाले कर दिया है, जहां तोपे फाइटर प्लेन और मिसाइल डिफेंस सिस्टम का जवाबड़ा किया जा रहा है। खास बात यह है कि दौलतबाग ओल्डी से काराकोरम मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर है। या मिनटों में ही भारतीय सेना बड़ी तबाही मचा सकती है। चीन के सामने अब केवल गलवान में टिके रहना ही चुनौती नहीं है बल्कि अक्साई चीन को भारत से बचाना भी बड़ा संकट बन गया है। इसका मतलब यह है कि भारत की युद्ध स्तर पर हो रही तैयारियां चीन के लिए बड़ी आफत बनने जा रही है। शायद चीन को अपने अहंकार की वजह से ऐसी उम्मीद कदापि नहीं रही थी कि भारत इतना कड़ा जवाब दे सकेगा, मगर यहां केवल जवाब की तैयारी ही नहीं है, अब चीन को ही अपनी जान बचानी मुश्किल हो रही है। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान और रूस जैसे देशों से भारत निरंतर संपर्क में बना हुआ है। अमेरिका के 3 विमानवाहक जहाज प्रशांत महासागर में चीन पर हमले के लिए तैयार खड़े हैं, यानी चारों तरफ से घिरे चीन को इस विपत्ति से बाहर आने का रास्ता नहीं सूझ रहा है। उसके लिए बड़ी दुविधा यह है कि अगर वह गलवान घाटी से पूर्वी स्थिति में लौटता है तो केवल चीन में ही नहीं पूरी दुनिया में उसकी जगह साई होगी। सुपर पावर बनने के उसके इरादे पल में ही मिट्टी में मिल जाएंगे, जबकि भारत एशिया के हिस्से में बड़ी महाशक्ति बनकर उभरेगा। खासतौर से दक्षिणी चीन सागर के वे छोटे देश भारत को अपना नेता मानने लगेंगे जिन्हें चीन अपनी सेना की धौंस दिखाता आया है।
दूसरी अवस्था में अगर चीन मैदान में टिकता है तब भी उसकी पराजय निश्चित है, क्योंकि भारत की सैन्य शक्ति उसके होश ठिकाने लगाने के लिए तैयार है। ऊपर से अमेरिका उसे सुपर से लूजर बनाने के लिए उसके सिर पर आ खड़ा हुआ है। इसका मतलब यह है कि इस वक्त जितनी गंभीर कूटनीति इस क्षेत्र में चल रही है उसकी था तक केवल चीन या फिर भारत और अमेरिका ही जा सकते हैं। यह आम आदमी की समझ से परे का पावर गेम है। खास बात यह है कि अमेरिका केवल भारत की मदद आपसी रिश्तों के आधार पर ही नहीं कर रहा है, वह चीन को चूहा साबित करने और भारत को उससे ताकतवर देश के रूप में स्थापित करना चाहता है। मजे की बात यह है कि मोदी सरकार अमेरिका की इस मंशा का भरपूर फायदा उठा रही है, पर चीन का पीछा अब आसानी से छूट जाएगा यह पूरी तरह नामुमकिन है। उसे न रूस बचाने आएगा, न एल्यूमिनियम के कटोरे खनकाने वाला पाकिस्तान। भारत देर सवेर चीन पर एक्शन जरूर करेगा, क्योंकि मोदी ने कहा है तो वह नामुमकिन नहीं हो सकता है। इसलिए चीन अब आगे बढ़ने की बजाय यह सोच रहा है कि भारत से बचकर जान कैसे बचाए। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद, वंदे मातरम।